और अब खबरें विस्तार से। गुप्तचर सूचना के आधार पर पता चला है कि जैश ए मोहम्मद जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन ने नागपुर में संघ मुख्यालय की इमारत पर रेकी की है। मालूम हो कि रेकी सिर्फ संघ मुख्यालय में ही नहीं बल्कि नागपुर के महत्वपूर्ण स्थानों पर भी की गई है। इसके चलते आरएसएस मुख्यालय व हेडगेवार भवन समेत नागपुर शहर के महत्वपूर्ण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस संबंध में नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भी मीडिया को कुछ जानकारी दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है, रेशिमबाग में हेडगेवार भवन भी है। बताया जाता है कि जैश ए मोहम्मद ने इन दोनों जगहों समेत अहम जगहों की रेकी की थी, साथ ही इन जगहों की तस्वीरें भी ली गई है। इस सूचना के बाद पुलिस ने यहां सुरक्षा कड़ी कर दी है। संघ मुख्यालय वो स्थान है जहां सर संघ चालक मोहन भागवत और संघ के महत्वपूर्ण पदाधिकारी निवास करते हैं। जैश ए मोहम्मद ने इन दोनों इमारतों के साथ साथ कुछ अन्य हिस्सों पर भी रेकी की है। जैश ए मोहम्मद के कुछ लोग यहां रेकी करने आए थे। अमितेश कुमार ने कहा कि इसीलिए उन्होंने शहर के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी और इन दो स्थानों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस आयुक्त ने अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार एक माह पूर्व टीम ने मुख्यालय हेडगेवार भवन व कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी। बताया जा रहा है कि आतंकी इसी के लिए श्रीनगर से आए थे। आतंकी कुछ दिनों के लिए नागपुर में रुके थे। इस मामले की जानकारी मिलते ही एक टीम गठित कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। ऐसी ही एक टीम श्रीनगर भी गई है। पुलिस सूत्रों ने ये जानकारी भी दी है। इसके तहत आरएसएस और महल परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी व ड्रोन द्वारा फोटो निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। अशी काही माहिती आलेली आहे की काही जैश ए मोहम्मद हे बँड टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन यांनी काही ठिकाणाचे रेकी करण्याचे प्रयत्न केलेले आहे। सुरक्षाची पोख्ता इंतजाम सर्व जे काही अशा प्रकारचे ठिकाण आहे तिथे ऑलरेडी पोलीसकडून करण्यात आलेली आहे। अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि सध्या क्राईम ब्रांच तपास करत आहे। तपासामध्ये जे बाबी समोर येईल त्या अनुषंगाने कारवाई करण्यात येईल। सर, ते काही संशयितांना अटक केलेला आहे का आणि त्या कुठल्या जागा आहेत ज्यांची? सध्या कोणत्याही कोणालाही अटक नागपूर पोलिसांनी आतापर्यंत केलेली नाही, परंतु तपास सुरू आहे आणि कोणतं ठिकाण आहे याचे व्यतिरिक्त ही सगळी काही आता डिस्क्लोज करण्यासारखे नाही आहे। योग्य वेळी ते सांगण्यात येईल। सर्व प्रकारचे पोलिसचे प्रेझेन्स आणि जे आवश्यक सुरक्षासाठी आवश्यक मनुष्यबल आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर असते ते ऑलरेडी अशा प्रकारचे संवेदनशील ठिकाणी होतात, आणखी वाढ करण्यात आलेली आहे। पोलीस कोणत्याही प्रकारची हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी पूर्णपणे सुसज्ज आहे। प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून पण आवश्यक सर्व कदम पोलिसांकडून घेण्यात येत आहे।